नमस्ते, सलिल की रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजार जैसा गाजर का हलवा। हम शादियों में जाते हैं, वहाँ हलवा खाते हैं और फिर बाजार से हलवा लेकर के आते हैं। वो इतना टेस्टी होता है कि मन करता है कि खाते जाएं उसको। तो इतना टेस्टी वो हलवा कैसे बनता है, आज मैं उसके कुछ टिप्स आपको बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, सलिल की रसोई में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। एक चम्मच गरम मसाला, चम्मच घी डालेंगे। लौकी के कोफ्ते तो आपको कैसे लग, मिंट करके बताइएगा। बाजार जैसा हलवा बनाने के लिए गाजर का मैंने 2 किलो गाजर ली और फिर उसको मैंने करोचा। करोचने के बाद 2 बार पानी से धोया। धोने के बाद मैंने उसको कद्दूकस कर लिया। सबसे पहला सीक्रेट तो ये है कि हमको गाजर जो मैंने किसी है इसको अच्छी तरीके से भून लेना चाहिए घी में, क्योंकि तो अगर हम भून लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे गाजर का हलवा जो बनता है वो बहुत ही सोंधा बनता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गाजर का हलवा जब बनाते हैं तो गाजर किसके डालते हैं और साथ में दूध डाल देते हैं और उसको भूनते नहीं है गाजर को। गाजर को किसने के बाद भून लेना चाहिए, उससे बहुत ही सोंधापन आता है गाजर के हलवे में। अब गाजर के हलवे को बनाने के लिए गाजर जो मैंने किसी है उसको मैं भूनने जा रही हूँ। घी ये मैंने देसी घी डाला है और अब मैं इसमें गाजर किसी हुई भूनूंगी। इसको तब तक भूनूंगी जब तक कि ये पिचक नहीं जाएगी। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। गाजर का हलवा जब हम बनाएंगे तो गाजर को जब हम किसेंगे तो उसका पीला भाग नहीं किसेंगे, केवल ऊपर वाला भाग किसेंगे, जो भाग लाल होता है ये पीला भाग नहीं किसेंगे। ये देखिए गाजर अब पिचक चुकी है और गाजर भुन भी गई है अच्छे से। अब हम इसमें दूध डालेंगे। अब हम इसमें दूध डाल रहे हैं, ये मैंने 1/2 किलो दूध डाला हुआ है। अब हम दूध में गाजर को पकाएंगे और शक्कर डालेंगे जब तक ये दूध सूख नहीं जाएगा, और फिर उसके बाद जब दूध सूख जाएगा फिर उसको भूनेंगे। गैस को तेज फ्लेम में ना कीजिएगा, हमेशा मीडियम रखिएगा, नहीं तो हमारा हलवा जल सकता है। धीरे धीरे हम इसको चलाते रहेंगे जिससे कि नीचे लगे ना। 1/2 बाउल शक्कर डालेंगे। छह हरी इलायची मैंने छील कर पीस लिए, अब इसको मैं डाल रही हूँ हलवे में, इससे अच्छी महक आती है और स्वाद भी आता है। गाजर का हलवा पकते पकते 10-15 मिनट हो चुका है।
गाजर का हलवा बनाने में मेहनत बहुत लगती है। प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पकाते समय आप गैस को हाई भी कर सकते हैं, पर आप इसको चलाते रहिएगा। अब जब इसमें बुलबुले आना बंद हो जाए और बिल्कुल दूध सूख जाए, तब हम इसमें घी डालेंगे और थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे। अब मैं और देसी घी ऐड कर रही हूँ और डाल करके भूनूंगी। ये मैंने मार्केट से खोया 200 ग्राम मंगाया है और ये हलवाई की दुकान में आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो खोया घर पर भी दूध से बना सकते हैं। ये सीक्रेट है कि आप अगर खोया डालेंगे तो आपका बिल्कुल मार्केट जैसा जैसा हलवा बनेगा, और जैसा कि शादी में आप लोग खाते हैं हलवा, तो उसी तरीके का स्वाद आएगा। ये हलवा देखिए सूख चुका है, तो अब हम इसमें खोया ऐड करने जा रहे हैं। 100 ग्राम खोया हम पहले डालेंगे और 100 ग्राम खोया बाद में डालेंगे। आप लोग भी नए साल में गाजर का हलवा बनाइएगा और एंजॉय करिएगा। अब हम किशमिश डाल रहे हैं। अब हम सजावट के लिए इसके ऊपर सारे ड्राई फ्रूट्स और खोया डालेंगे। गाजर का हलवा बनकर तैयार है। अब इसको खाइए और एंजॉय करिए। तो ये बाजार जैसा हलवा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।